Hello everyone. I hope you guys are keeping safe. So in this video, we'll be discussing about the steps that need to be followed to fill the CET form. But uske pehle, please make sure that you subscribe to the channel. And we are also coming up with live videos from the next week for all the topics of MBA CET. So please make sure to subscribe to this channel. Okay. Now let's start. So as you all know that CET forms are aaj and I have been getting many messages that a

architecture CET, CET hotel management and and so on and so on forth. But please make sure that आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला CET that is MBA और MMS CET पे क्लिक करते हैं ठीक है So यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे <coughs> so इस तरह से एक पेज आ जाएगा ठीक है जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसे दो टैब्स दिखाई देंगे बट बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म प्लीज मेक श्योर दैट आप एक यूजर मैनुअल जो यहाँ पे अवेलेबल है अल अगेन शो यू इसी वेब पेज पे यहाँ यूजर मैनुअल अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अवेलेबल है प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड दिस बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म ठीक है एंड बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म आपके लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड अ स्कैंड आइडेंटिटी प्रूफ स्कैंड फोटोग्राफ एंड स्कैंड

ठीक है और एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन केस ऑफ बैकवर्ड कैटेगरीज ठीक है सो so ये एक ऊपर डिटेल है अबाउट द एलिजिबिलिटी सेकेंड यहाँ पे फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज इज अपलिकेबल वैलिड अप टू

that is the password and your application number number 3 please make sure that you use a good quality photograph signature and document proof of identity images for uploading now please understand ki jo bhi aap photograph upload karenge जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको वही फोटोग्राफ उस पर स्टिक uh, करना है Secondly, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ अभी आप अपलोड करोगे वही आइडेंटिटी प्रूफ आपको एग्जाम uh, देते वक्त प्रोड्यूस करना है दैट इज आपको उसका ओरिजिनल फॉर अगर आप यू आई डी दैट इज आधारोड कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्म में तभी आपको अलाउ किया जाएगा ये स्ट्रिक्टली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे नंबर थ्री प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज ओनली वन मोबाइल नंबर अगर आप कोई मोबाइल नंबर अभी आप फॉर्म <coughs> फिल करते वक्त दे रहे हैं प्लीज मेक श्योर दैट ये मोबाइल नंबर वैलिड है वर्किंग है फॉर द नेक्स्ट

ये उसका ब्रोशर है आई एम नॉट गोइंग टू द अदर स्टेप बिकॉज यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ब्रोशर में दिखा रहा हूं सो so ये सब करने के बाद आपका यहाँ पे स्टेप वन कम्प्लीट हो जाता है आप जाते हैं स्टेप टू पे स्टेप टू इज डोमिसल इन कैटेगरी डिटेल्स नाउ डोमिसाइल इन कैटेगरी डिटेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे देर आर टोटल नाइन स्टेप्स एंड आई बिलीव दैट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज डोमसाइल इन कैटेगरी डिटेल्स आई विल टेल यू वाई वन मोर थिंग रजिस्ट्रेशन uh, डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स या फिर जो भी आप कंप्लीट कर रहे हैं वो ग्रीन में दिखाई देगा जो इनकम्प्लीट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आप येस yes करेंगे या नो no करेंगे बट जो भी आप करेंगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैप राउंड में प्रोड्यूस करना पड़ता है ठीक है सो so, यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स देना है, that, आ, आप से है या आप महाराष्ट्र से नहीं है उसके बाद आपको कैटेगरी आपका पूछता है ना अगर आप ओपन कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो ओपन कैटेगरी में आपको आपका फैमिली फैमिली इनकम इनकम डालना है तो फॉर अगर आप टू लैक्स से थ्री लैक्स तक डालते हैं तब आपको एक और ऑप्शन आएगा दैट इज डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर ईडबू एस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाउ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए द फैमिली एनुअल इनकम दैट इज नथिंग बट सालाना इनकम आपकी फैमिली की शुड बी लेस देन और इक्वल टू एट लैक्स ठीक है अब इसके लिए दो तीन और भी कंडीशन है जो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं बट अगर आपका इनकम एट लाख से कम है तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको ईडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है अगर आप यस yes करते हैं तो आपके पास ई का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको कैप राउंड में प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आप नो no करते हैं तो आप डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे यहाँ पे नोट भी दिया है उन्होंने प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दिस नोट दैट लेस और अप टू 8 लैक्स ठीक है सच कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द कैटेगरी ऑफ ई डब्ल्यू एस अच्छा एक और इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप ई के लिए यस क्लिक करते हैं तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का स्टेटस पूछेगा ये यहाँ पे आपको स्टेटस पूछेगा दैट इज सिलेक्ट ईडब सर्टिफिकेट स्टेटस ठीक है अब स्टेटस में तीन ऑप्शन है आपके पास लेट मी शो यू दैट इज अवेलेबल अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। सॉरी दो दो ऑप्शंस अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी है

मूविंग अहेड टॉकिंग अबाउट द अदर कैटेगरीज ठीक है अगर आप ईडब्ल्यू एस छोड़ के बाकी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दैट इज ठीक है is, SC, ST, OBC, SBC, तो आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन आएंगे दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या कास्ट वैलिडिटी है ठीक है सेम ऑप्शन जैसे ई डब्ल्यू एस में थे वैसे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड

राउंड के वक्त अपलोड करना पड़ेगा अभी अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है सो so दिस की आपको ध्यान से कैसे भरना है इसको। Moving ahead at step number six. Step number six में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल इन करना है आपको ग्रेजुएट ग्रेजुएशन पासिंग ईयर करना है कोर्स uh, ड्यूरेशन that इज ब्रांच एंड ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप एंड फिल द ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल्स करना है ठीक है अगर आपका uh, क्या कहते हैं आपका फाइनल ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो आपके पास एक ऑप्शन है अपीयरिंग का अगर आप अपीयरिंग क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन है परसेंटेज का ऑप्शन चला जाता है अगर आप पास है तो ही आपको सब कुछ डिटेल्स पूछेगा वरना नहीं पूछेगा ठीक है यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया कैंडिडेट इज अपियरिंग फॉर हिज डिग्री इन द ईयर 2021-22 शुड सिलेक्ट एज अपियरिंग ठीक है फिर आपको आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा मार्क्स का ठीक है नेक्स्ट

उसके बाद थिंग्स आर वेरी इजी सेव एंड प्रोसीड करना है आपको एंड यहां पे एज सेड आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपका अपलोड करना है तो आइडेंटिटी प्रूफ कैन बी पैन कार्ड कैन बी आधार कार्ड और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ दैट यू हैव उसका सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना है आफ्टर अपलोडिंग दिस आपको प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन करना है प्लीज मेक श्योर दैट आप प्रीव्यू करें डायरेक्टली आप पेमेंट ना करें प्रीव्यू और वैलिडेट करते वक्त प्लीज मेक श्योर डिटेल्स, फ्रॉम योर कैटेगरी टू योर परसेंटेज टू योर एग्जाम सेंटर्स सारी डिटेल में आपने फिल किए हैं एंड ओनली देन आप पेमेंट करें इसका ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसीजर टू फिल द Please make sure to subscribe to the channel as we are coming up with many more videos for MBA CT 2021. Thank you so much, guys. Till then, take care.